मध्य भारत की ओर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में मौजूद है देवास के ख्यात ज्योतिषाचार्य श्री शरद तिवारी जी, जिन्होंने 12 राशियों में एक 13 राशि होती है ओफ्यूकस, उसके बारे में शोध किया है। आइए जानते हैं ये 13वीं राशि आखिर कौन सी है। देखिए ये 12 राशियां ऐसे पहले मान्यता थी कि जो आकाश मंडल में है उसमें ताराओं को 88 तारा मंडल में डिवाइड किया गया है। उन 88 तारा मंडल को 12 राशियों में विभक्त करने के बाद मेष से लेकर मीन राशि तक की राशियों की गणना की गई। लेकिन 1922 में इंग्लैंड की एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि नासा के एथोमेरिस द्वारा 13 साइन ओफ्यूकस को भी देखा गया और इस ओफ्यूकस राशि के ऊपर मेरे द्वारा विगत 10 वर्षों से सतत शोध करने के पश्चात इसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं इसके विषय में जानकारी प्रदान की है। जी सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके द्वारा आपके शोध में कहा गया है कि राशि 12 नहीं बल्कि 13 राशि होती है, इस राशि का नाम क्या है और तारामंडल में ये कहाँ स्थित है? ये राशि सुनीति तारामंडल में स्थित है और इस ओफ्यूकस राशि के अंतर्गत 4 ताराएं आती हैं। इसे उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अक्षांश के शिरोबिंदु से देखा जा सकता है। जी। दूसरा प्रश्न ये है मेरे सर कि सूर्य ओफ्यूकस राशि में कितने दिनों तक रहता है? सूर्य वृश्चिक राशि में 23 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रहता है और 30 नवंबर से 18 दिसंबर तक ओफ्यूकस राशि में स्थित होता है। क्या सर इस ओफ्यूकस राशि का हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ता है? जी, ओफ्यूकस राशि का हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। जिन जातकों का जन्म 30 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य हुआ है वे ओफ्यूकस राशि के होते हैं, वे बड़े रिजर्व माइंड के होते हैं, आक्रामक होते हैं, लेकिन छेड़ने के बाद में वे छोड़ते नहीं, बदला लेने की प्रवृत्ति उनमें कूट कूट कर भरी रहती है और किसी भी कार्य को अगर वो मन से शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाए बिना चैन के सांस नहीं लेते। जी सर, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से दर्शकों को सिर्फ 12 राशि के बारे में ही मालूम है, 13वीं राशि के बारे में तो आपने ही शोध किया है, इसलिए आप बहुत अच्छे से बता भी सकते हैं कि इन लोगों का व्यवहार कैसा होता है, कैसे इन लोगों की विशेषताएं होती है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ये जो ओफ्यूकस राशि वाले लोग हैं इनका गोल चेहरा होता है, बड़ी आंखें होती है तथा इनका ये स्वभाव होता है कि बार बार जो होंठों पर वो अपनी जुबान से साफ करते हैं, बार बार इस प्रकार से उनकी आदत रहती है, है ना, और रुमाल से भी बार बार अपने होंठों को साफ करने की आदत रहती है और ये इनके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी रहती है। इनसे अगर उलझना नहीं चाहिए, ये अगर इनसे कोई उलझेगा तो ये उसको छोड़ेगा। मतलब आपने एक पहचान बता दी जिससे पता चल जाएगा कि ओफ्यूकस राशि से संबंधित व्यक्ति है और जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं इसको। जी सर, और प्रश्न है मेरे पर, ओफ्यूकस राशि जब विभिन्न ग्रहों का संचार होता है तब क्या अपेक्षित परिणाम सामने आते हैं? जी, ओफ्यूकस राशि पर से जब विभिन्न ग्रह यानी कि नौ ग्रहों का संचार होता है, जब सूर्य ओफ्यूकस राशि पे से ट्रांजिट करता है जी, तो पिता के लिए अनिष्ट का द्योतक हो जाता है, है ना, राज्य पक्ष से उसको नुकसान की प्राप्ति होती है। वहीं ओफ्यूकस राशि में से जब चंद्र ट्रांजिट करता है तो माता को कष्ट होता है जी, बच्चे का जन्म यदि होने वाला है तो बच्चा सीजर से जन्म लेता है, यदि बच्चे का जन्म हो भी जाता है तो वो सीपी चाइल्ड रहता है, लेकिन जीवन भर अस्वस्थ रहता है जी। और इसी के साथ यदि इसी ओफ्यूकस राशि पर अगर मंगल का ट्रांजिट होता है जी, तो भाइयों से विरोध होता है या भाइयों का अनिष्ट होता है, रक्त संबंधी रोग होने लगते हैं जी। बुध का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, गुरु का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा करता है, शुक्र का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति को भौतिक वैभव और विलासिता की प्राप्ति होती है, और वहीं शनि का यदि ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश यात्रा को चाहे। जी सर,
अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया कि ऑक्टोपस के बारे में कि ये किस तरह के व्यक्ति होते हैं, किस तरह का इनका व्यक्तित्व होता है, उसी तरह जो इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति भी होंगे जो आते होंगे, कोई महान हस्तियां आई हैं इसमें ऑक्टोपस राशि में? जी 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 बिल्कुल, इसमें जो प्रसिद्ध महान व्यक्ति या हस्तियां हुई हैं कि 9/12/1946 को इटली के तुरीन शहर में जन्मी सोनिया गांधी की राशि भी ऑक्टोपस ही है। धीरूभाई अंबानी प्रसिद्ध उद्योगपति जिनका नाम चलता है, उनकी राशि भी ऑक्टोपस है, जिन्होंने आर्थिक भारत की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। इसी के साथ जो विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय जी, उनकी राशि भी ऑक्टोपस है। उस समय जब उनका विवाह का समय चल रहा था 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ उनका विवाह हुआ था, तब उनके विवाह में बहुत अड़चने आई, तब बिग बी ने पूरे भारत के ज्योतिषियों को इसके लिए आमंत्रित किया, तब मेरे द्वारा ये बात कही गई थी कि ऑक्टोपस राशि होने के कारण इनके विवाह में कोई बाधा नहीं है, इन्हें मंगल के कारण भी कोई दिक्कत नहीं है, यह विवाह सुख पूर्वक अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि सर उस टाइम बहुत ज्यादा बॉलीवुड में वो हंगामा मचा था कि ऐश्वर्या राय मांगलिक है, तो क्या उनकी अभिषेक बच्चन से शादी हो सकती है? नहीं जी, हो सकती है, उस समय भी मेरे द्वारा ये कहा गया था, जिसका प्रसारण इंडिया टीवी पर किया गया था और इसका जो इंटरव्यू है श्री रणेश शर्मा जी द्वारा लिया। जी सर, और मेरा अगला प्रश्न ये है, क्या ज्योतिष में रत्नों से रोगों का इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, ज्योतिष से रत्नों का इलाज हो सकता है। और रत्न के अलावा जी, जब हम किसी भी लग्न के बारे में बात करते हैं, जैसे मेष लग्न की बात करते हैं, कोई मेष लग्न और वृश्चिक लग्न का स्वामी है, तो उसके राशि का जो लग्न का स्वामी है वो मंगल हो जाता है, तो मंगल से संदर्भित रत्न यदि वो व्यक्ति मूंगा धारण करता है, यदि वो व्यक्ति पुखरा धारण करता है या माणिक धारण करता है, तो उसको अनुकूल लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि व्यक्ति महंगे रत्न खरीद कर पहने, अगर वह ये रत्न नहीं अफोर्ड कर सकता, पहनना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इससे संदर्भित वनस्पति से भी वो अपना काम कर सकता है। जी। मंगल के लिए खेत की जड़ को अगर वो दाहिनी भुजा पर बांधता है तो उसको अनुकूल लाभ की प्राप्ति, खेत की जड़ को। इसी प्रकार से वृषभ और तुला लग्न में स्वामी शुक्र होता है, तो व्यक्ति को मोजेनाइट डायमंड या नीलम पहनने की सलाह देते हैं, यदि वो ये नहीं पहनता तो वो शमी पेड़ की जड़ को अपने सीधे हाथ पर शनिवार को बांध सकते हैं। इसी प्रकार कन्या लग्न और मीन लग्न वाले जातक और मिथुन लग्न वाले जातक जिनका स्वामी बुध हो जाता, कन्या लग्न और मिथुन लग्न में वो अगर चाहे तो पन्ना धारण कर सकते हैं, अगर पन्ना धारण नहीं कर पाते हैं वो, तो फिर विधारा की जड़ वो अपने सीधे हाथ पर ओम नमः गणपति नमः से अभिमंत्रित कर धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से मकर और कुंभ लग्न में शनि का जो शमी पेड़ है उसकी जड़ को सीधे हाथ पर बांधा जाए। सर मेरी राशि कुंभी है तो मुझे क्या शमी पेड़, या तो आप नीलम पहने या मोजेनाइट पहने, अथवा अगर ये दोनों चीजें आप नया धारण करना चाहें तो आप शमी पेड़ की जो जो जड़ है उसको सीधे हाथ पर 19,000 शनि मंत्रों से अभिमंत्रित कर धारण करें, आपको यथोचित लाभ की प्राप्ति होगी। जी सर, जैसे लोगों के मन में धारणाएं होती है कि ये रत्न पत्थर है, ये क्या फायदा देंगे, मतलब आप जैसे बता रहे कि आप वनस्पति से भी आप फायदा उठा सकते हैं, तो हम रत्न मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि दर्शक पहन सकते हैं। और मेरा एक प्रश्न है कि हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारे डिफाइन हो जाती है, जैसे ज्योतिष का सामुदायिक शास्त्र भी कहता है कि हम बॉडी लैंग्वेज से किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वा अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा जी, तो आप उसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया संध्या जी। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जब भी हम किसी व्यक्ति के घर आते हैं जी, या कोई व्यक्ति हमारे घर आता है, तो उसके हाव भाव, उसके चलने फिरने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसके कपड़े पहनने के कलर, या वो किस प्रकार से हमसे बातचीत करते समय भाव भंगी करता है, उससे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति एक उंगली दिखाकर बात करता है,
ठीक है, तो इसका मतलब है व्यक्ति चुनौती देने में विश्वास रखता है, वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। दो उंगली दिखा के भी बात करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, ऐसे लोग दोगले होते हैं, उनकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके बात करते हैं, ऐसे लोग संत प्रगति के होते हैं, उनका मन निर्मल होता है। कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं, ऐसे लोग पक्के लड़ाके होते हैं, इन लोगों से कभी उलझना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इसी के साथ एक बात जी, अगर कोई व्यक्ति आपको देख रहा है ठीक है, तो देख रहा है, यदि आपको आपसे वो नजर मिला कर बात कर रहा है, तो इसका मतलब प्रबल आत्मविश्वासी है जी। वो जो काम बोल रहा है वो काम करके बताएगा जी। और कोई व्यक्ति यदि बात करते समय अपनी नजरें झुका देता है, तो उसका मतलब उसके अंदर हीन भावना है, आत्मविश्वास की कमी है। कोई व्यक्ति अगर नजर चुरा के बात कर रहा है, तो उसके मन में चोर है, उसकी बात पर विश्वास नहीं करना है। अच्छा सर, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनकी बॉडी लैंग्वेज में, जहां तक समझती हूं, वो पैर बहुत हिलाते हैं जी, तो उनके बारे में क्या कहना? जल्दबाज रहते हैं वो, जल्दबाज, ऐसे लोग बहुत जल्दबाज रहते हैं, जीवन को जल्दी जीना चाहते हैं ऐसे लोग। वो लोग भी ऐसे, जो लोग अगर सिगरेट भी पीते हैं, वो लोग देखना बार बार वो कष्ट जल्दी जल्दी लेंगे, धुआं को बार बार जल्दी जल्दी निकालने का प्रयास करें, वो लोग जल्दबाजी करते हैं, वो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। पर साथ में सर, मैंने एक बार देखा है कि नेल्स भी खाते हैं, बच्चे तक को खाते खाते बड़े भी नेल्स खाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं उसके बारे में क्या बताएंगे, ये किस तरह के मतलब है? ये मैं समझ नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोगों की आदत होती है नेल्स खाने की, ज्योतिष उपाय बता सकते हैं जिससे उनके दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करें तो उससे लाभ प्राप्त होने? हाँ, ये बड़ी है, आपने अच्छी बात की है। यदि हमको कहीं पे भी किसी भी कार्य के लिए घर से निकलना है, जैसे सुबह सुबह अपना जी, हमको ये नहीं मालूम, हमको पंचांग नहीं मालूम, हमको कुछ इसके बारे में जानकारी, तो आप सिर्फ इतना अच्छा ध्यान रखें कि रवि को पान, सोम को दर्पण जी, मंगल को गुड़ कीजिए अर्पण, बुध को धना गुरु को राई, शुक्र कहे मुझे दही सुहाए, शनिवार जो अदरक खाए काल जीत कर घर को लाए। रविवार को पान, सोमवार को दर्पण, मंगलवार को गुड़, बुधवार को धनिया, गुरुवार को राई, शुक्रवार को दही, और शनिवार को जो अदरक खाकर घर से निकलता है वो काल को भी जीत कर घर पे ले आता है। जी सर, जैसे हमारे यहाँ यंगस्टर और बच्चों में कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि हम एग्जाम देने जाते हैं, तो आप उनको कोई ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिससे वो एग्जाम में सक्सेसफुल रहे? जी बिल्कुल, यदि सुबह जैसे बच्चे अगर एग्जाम के लिए जा रहा है जी, तो अगर एग्जाम से निकलने के पूर्व ये जो मैंने आपको उपाय बताए, जिस दिन उसका पेपर है जी, वो उसी का, जैसे रविवार को जाए तो पान खा के निकले, सोमवार को दर्पण देख के निकले, मंगलवार को गुड़ खा के निकले, ये सीधा और सरल उपाय उन बच्चों के लिए जिसका वो अनुकूल लाभ प्राप्ति कर सके। सर, मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं कि अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, उसमें भी कुंडली मिलान किया जाता है, पर वो कई बार सक्सेसफुल नहीं रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, जो ये कुंडली मिलान करने के बाद भी अगर विवाह सफल नहीं हो पा रहे या असफल हो रहा है जी, तो उसके कई कारण है, या तो कुंडली का मिलान विधि पूर्वक नहीं हुआ। कुंडली मिलान में हम गण देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, योनि देखते हैं। योनि का मतलब यह है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में किस योनि से इस जन्म में है, किस प्रकार उसके संस्कार किस तरह के हैं। तो 14 प्रकार की योनियां हमारे शास्त्रों में बता दी, जिसमें मेष, चूहा, गो, हिरण, वानर आदि योनियां बताई गई। अब होता यह है कि यदि कोई एक बालक है, वो श्वान योनि का बालक है, अब श्वान योनि का यदि बालक है तो उसकी जो आदत रहेगी वो आदत कैसी रहेगी,
वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार है जी। एक कुत्ते की प्रकृति को आप इमेज कीजिए, भाई बंधुओं से ज्यादा झगड़ा करेगा, ठीक है, कहीं पर बैठेगा तो जगह को साफ साफ करेगा। जेंट्स लोगों की भी आदत है कि वो रुमाल निकालेंगे और पहले कुर्सी पे भी अच्छी साफ पे कुर्सी, लेकिन कुर्सी पे भी रुमाल मारेंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि वो शौर्य का व्यक्ति है, उसको साफ सफाई पसंद है, वो जहाँ बैठेगा वो साफ सफाई करके बैठेगा। और अगर लड़की अगर मर्दारी होने की बिल्ली की जी। अब बिल्ली की आदत है दूध दूध की चीजें पसंद करेगी, पसंद करती है ना, दबे पाँव आना पसंद होगा, ऐसा कि पता नहीं चल पाए कि कौन व्यक्ति आके खड़ा होगा। अब आप ये सोचिए कि यदि एक श्वान योनि वाले व्यक्ति का, लड़की का और मार्जार योनि वाली लड़की का विवाह कर दिया जाए तो वो दोनों साथ में सुखी कैसे रहे, नहीं रह सकते। इसीलिए जब भी कुंडली मिलान किया जाए तो योनि मिलान का विशेष महत्व, अगर उन दोनों की योनि का मिलान होता है तो वे लोग आपस में एक दूसरे को शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी एक दूसरे को संतुष्ट रख पाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा निभा पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया जानकारी सर। मेरा अगला प्रश्न है कि आपके एक अन्य शोध में ब्लड ग्रुप के माध्यम से भी वर वधु का मिलान किया जा सकता है, जैसे कुंडली से मिलान किया जाता है उसी तरह ब्लड ग्रुप के माध्यम से भी मिलान किया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास कुंडली नहीं होती है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे द्वारा इस विषय पर शोध किया गया है कि किसी किन्हीं व्यक्तियों के पास यदि उसकी जन्म कुंडली नहीं है और हम ब्लड ग्रुप के आधार पर अगर उनका मिलान करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यदि वर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो लड़की का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव होगा तो विवाह सफल होगा। लड़की का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और लड़की का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या एबी पॉजिटिव है तो उन दोनों का विवाह सफल रहेगा। एबी पॉजिटिव वाले लड़के का विवाह एबी पॉजिटिव वाले लड़की से या बी पॉजिटिव वाली लड़की से सफल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो विशेष बात यह है कि यदि लड़की का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है, यदि उसका आर एच फैक्टर निगेटिव है और उसका विवाह किसी पॉजिटिव फैक्टर वाले लड़के से हो जाता है तो फिर नाड़ी दोष की उत्पत्ति हो जाती है। नाड़ी दोष का मतलब ये है कि उसको संतान का इशू होगा, या तो बच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, और अगर बच्चा बच भी जाता है तो वह लांग लाइफ तक बीमार चलेगा। इसलिए संतान का इशू ना आए इस कारण से आर एच फैक्टर लड़की का निगेटिव ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। आजकल तो मेडिकल में इसके इंजेक्शन आने लगे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये मैं अपने दर्शकों को भी बताने चाहूंगी कि जो एक ही गोत्र में शादी कर लेते उनके लिए ये समस्या खड़ी हो सकती है। जी, एक गोत्र में शादी को करने पर नाड़ी दोष आ जाता है और नाड़ी दोष आने के बाद में उनको जेनेटिक्स से संदर्भित कोई दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती है, संतान से संदर्भित दिक्कतें आ सकती है, व्यक्ति बीमार हो सकता है, इसलिए एक गोत्र में शादी को अवॉइड किया जाता है। जी सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्योतिष होने के कारण वर्ष 2023 में ये हमारे लिए कैसा रहेगा? देखिए, 21 मार्च 2023 को 11:11 पर वृश्चिक लग्न में नए वर्ष का प्रवेश होगा। इस समय वर्ष का राजा बुध रहेगा और मंत्री पद पर शुक्र देवता विराजित होंगे। अमूनन वर्ष 2023 भारतवर्ष के लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा, किंतु सीमाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित बनी रहेगी तथा पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो जाएगी। चीन में और जापान में भूकंप से संबंधित घटनाओं की आवृत्ति हो सकती है, लेकिन भारत यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता का निर्वाह कर 13 जनवरी 2023 में जब राहु अपनी राशि को परिवर्तित करेगा उस समय सुलह कराने का पूरा प्रयास करेगा, यानी कि भारत के प्रयास से यूक्रेन और रूस में समझौता होने की पूर्ण संभावना है जनवरी माह में, और यह समझौता
18 मार्च 2023 के मध्य पूरी तरह से ये युद्ध विराम होने की संभावना मुझे प्रतीत होती है। शेयर मार्केट में क्या उतार चढ़ाव है सर? शेयर मार्केट में जो कुंभ राशि में शनि कुंभ राशि से ट्रांजिट कर रहा है, तो कुंभ राशि से ट्रांजिट करने के कारण ये तेल की कीमतों में चढ़ाव आएगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, लेदर आसमान छुएगा, प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छुएंगी। इसी समय हमें यानी कि इंडिया को यूएन में वीटो पावर मिल सकती है। 6G के लिए इंडिया पूरी तैयारी के साथ जुट जाए तथा शेयर मार्केट में मई माह में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निफ्टी 21,500 का लेवल को पार कर सकता है, सेंसेक्स मई में उछाल मारे जी। इसी के साथ वर्ष 2023 इंडिया में बहुत अच्छी शुरुआत करेगा, विशेष करके मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत का झंडा है विश्व में लहराया जाएगा, भारत की तारीफ होगी और भारत जगत गुरु के रूप में पुनः अपनी छवि को स्थापित करने में सफल होगा। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अब 2023 आ रहा है, ऐसे में आप हमारी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, शायद मेरे जैसे अभी नया साल शुरू होने को है, अभी शराब और ये पार्टीज वगैरह होगी, तो क्या उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे? वर्ष 2023 में मैं देश के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह सही है कि व्यक्ति के जीवन में तनाव भी होता है, है ना, अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां किसने नहीं झेली? राम को भी वन में भटकना पड़ा, कृष्ण को भी कारागार में जाना पड़ा, नल को राजा नल का हार खूटी निकल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी के साथ परेशानियां लगी रहती, लेकिन वे सभी परेशानियों को मन से निकालकर पूरे उत्साह के साथ अपना परिश्रम करें, अपना लगन से कार्य करें, तो वो निश्चित रूप से सफलता के सोपान पर चढ़ पाएंगे। आपका नया वर्ष आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं से। ये थे हमारे देवास के ख्याल ज्योतिषाचार्य शरद तिवारी जी, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। बने रहिए हमारे साथ वंदे भारत की टीम के साथ। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on